दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि धर्मशाला में ऐतिहासिक मैच हो रहा है। धर्मशाला में पहला इंटरनेशनल मैच भी इंग्लैंड के साथ हुआ था और अब 25वां इंटरनेशनल मैच भी इंग्लैंड के साथ हो रहा है। IPL का अभी तक 2 सप्ताह का शेड्यूल तय हुआ है। लोकसभा चुनावों की तिथियों के अनुसार अगला शेड्यूल जारी होगा। धर्मशाला में हर मैच के दौरान कोई ना कोई बदलाव किया जाता है। टेस्ट मैच में आए विदेशी दर्शक धर्मशाला में मैच को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की दृष्टि से हम धर्मशाला को नए आयाम तक पहुंचाएं। ये किसी भी वेन्यू के लिए सबसे बड़ा आयोजन होता है, टेस्ट मैच का आयोजन होना। जब आपको टेस्ट मैच का स्टेटस मिलता है, दैट मीन्स कि आपका वेन्यू को पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज़ किया गया है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स। और मैं मानता हूँ जितने भी मैच आज तक आयोजित हुए हैं, टेस्ट मैच का एक अपना अलग से रोमांच होता है। धर्मशाला में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था वो भी हमारा इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, और आज 25वां मैच का हम आयोजन किया है, जो टेस्ट मैच आज इंग्लैंड के साथ हो रहा है। ऐतिहासिक मैच इस दृष्टि से भी है कि 7 मार्च को शुरू हुआ, जिस दिन टेस्ट क्रिकेट में सुनील गावस्कर पहले बैट्समैन बने जिन्होंने 10,000 रन किए थे। अश्विन का ये 100वां टेस्ट मैच है, जॉनी बेस्टो का 100वां मैच है, और ऐसी अपेक्षा है कि एंडरसन भी इसी ग्राउंड में अपने 700वां विकेट लेंगे। तो मानता हूँ उस दृष्टि से बड़ा ही ऐतिहासिक ये टेस्ट मैच होने यहाँ जा रहा है। और जिस तरीके का हमने क्राउड देखा है, आपने देखा होगा इंग्लिश फैंस सबसे ज़्यादा तादाद में धर्मशाला आई। वर्ल्ड कप के दौरान भी जब इंग्लैंड का मैच था तो इंग्लिश बार्मी आर्मी, जो उनका फैन ग्रुप है, उनके MD मुझे मिले। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस टेस्ट मैच का वेन्यू डिसाइड हुआ कि धर्मशाला में होना है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उनको इस मैच के लिए आया, 5 टेस्ट मैच में, कि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस धर्मशाला आना चाहते थे। पर्यटन की दृष्टि से आप कल्पना कीजिए कि आपको 10-15 सेकंड की अगर ऐड देनी है हिमाचल टूरिज्म को, तो उसके लाखों रुपए वो खर्च करेगा। 5 दिन 8 घंटे, लगभग 40 घंटे धर्मशाला की खूबसूरत वादियों को और इस स्टेडियम को पूरे विश्व मंच पर दिखाया जाएगा। उस दृष्टि से जितना एक्सपोजर मैं मानता हूँ धर्मशाला को इस स्टेडियम के बाद पूरे विश्व में मिला है, उसी का कारण है कि आज धर्मशाला की इकोनॉमी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है। कभी समय ऐसा होता था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन इसलिए नहीं मिल पाता था क्योंकि धर्मशाला में कोई होटल नहीं था जिसमें 25-30 से ज़्यादा कमरे थे। हमने तब भी बड़े प्रयास किए कि टूरिज़्म वाले करें, कोई और होटेलियर करें, नहीं हो पाया तो HPCA को अपनी फैसिलिटी बनानी पड़ी, और उसके बाद हमें अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाने का स्टेटस प्राप्त हुआ, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। जैसे हम देख रहे हैं 25वां मैच आज हम आयोजित करने जा रहे हैं, IPL के कई मैचेज यहाँ हुए, तो और धर्मशाला को एक अलग पहचान पूरे विश्व पटल पर मिली है। तो मैं मानता हूँ इस मैच से वो और ज़्यादा मैग्नीफाई होगी। जो भी यहाँ पर आए, चाहे वो प्लेयर हो, इंग्लिश फैंस हो, इंग्लिश बोर्ड के जो भी वहाँ के CEO हो, चेयरमैन हो, सब ने कहा कि इससे ज़्यादा खूबसूरत स्टेडियम हमने आज तक नहीं देखा। तो मैं मानता हूँ बहुत बहुत भूरी प्रशंसा स्टेडियम की हुई है, और पर्यटन की दृष्टि से इसका धर्मशाला को, हिमाचल को बहुत लाभ होगा। होगा जब वर्ल्ड कप के मैचेस हुए तो बहुत सारे प्लेयर्स थे, जो नीदरलैंड्स के, न्यूजीलैंड के, अन्य टीमों के, इंग्लैंड के, जो हाइकिंग के लिए गए, जिन्होंने ऊपर माउंटेनियरिंग के लिए गए, तो जब वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालते हैं तो एक नई पहचान धर्मशाला को मिलती है। तो मैं मानता हूँ उस क्षेत्र को और ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्केट करने की हमें ज़रूरत है। पोंग डैम में हम बहुत अच्छी वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ उस दृष्टि में स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। एडवेंचर स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में तो इसको बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट उसके लिए आते भी हैं। तो मैं मानता हूँ जो पहचान अब धर्मशाला को मिली है, हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी हम धर्मशाला को नए आयाम तक पहुँचाएं। धर्मशाला अब स्पोर्ट्स की दृष्टि से 2nd मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीग बनी है। तो मैं मानता हूँ इसलिए इस बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ जिस भी वेन्यू को IPL आयोजित करने का मौका मिलता है, ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात उस वेन्यू के लिए होती है। जो भी टीम, जो भी फ्रेंचाइजी जिन्होंने आके धर्मशाला खेला है, उनके प्लेयर उन पर प्रेशर डालते हैं, हमें धर्मशाला में एक ना एक मैच ज़रूर खेलना है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके का वेन्यू हमने बनाया, जिस तरीके की पिच है, आउटफील्ड है, जो हमें बैकड्रॉप मिला है, और जिस तरीके का यहाँ सपोर्ट लोगों से मिलती है, जिस तरीके का उनको, आप जैसे रोहित ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धर्मशाला अपने घर जैसा लगता है, जैसा यहाँ लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जैसा आवागमन होती है, अतिथि देवो भव, उसका
साक्षात प्रणाम प्रमाण यहाँ पर मिलता है, उस दृष्टि से मानता हूँ कि हमें और आगे बढ़कर जाना है, ताकि हम जो सच में मानते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल को विश्व पटल पर पूरे देश में नंबर वन स्पॉट पर लेके जाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी कि ऐसे कुछ ना कुछ आयोजन यहाँ पर होते रहें, ताकि वो पर्यटक बार बार यहाँ पर आएँ। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।